गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 बच्चों आप पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने बच्चों आपको पढ़ाया था फाइसेलिया, ठीक है, और हाइड्रा। आज हम आपको एक नया संघ पढ़ाएंगे, यानी कि नया फाइलम होगा जिसका नाम होगा टीनोफोरा। तो लिखेंगे संघ टीनोफोरा, जिसे कहते हैं समुद्री अखरोट या कंकाल जेली, जिसे कहते हैं समुद्री अखरोट या कंकाल जेली, ठीक है। यानी कि संघ टीनोफोरा फाइलम टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। देखेंगे बच्चों ये संघ टीनोफोरा क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके किस कारण से इसे हम समुद्री अखरोट या कंकत जैली कहते हैं, इसके किस गुण से हम इसे समुद्री अखरोट या कंकत जैली कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे टीनोफोरा को संघ सीलन टेटा में रखा गया था। टीनोफोरा को संघ सीरेन ट्रेटा में रखा गया था तथा हैस्चेक ने इसे एक अलग संघ बनाया तथा हैशेक ने इसे एक अलग संघ बनाया। अब तक टीनोफोरा की लगभग 50 जातियां ज्ञात हैं, 50 जातियां ज्ञात हैं। अच्छा, यानी कि 50 जातियां इसकी अभी तक ढूंढ ली गई हैं। अब लक्षण लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, ये एकल समुद्री तथा स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर, ये एकल समुद्री तथा स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरने वाला प्राणी है, जल की सतह पर तैरने वाला प्राणी है। इस संघ के प्राणियों की यह विशेषता है, विशेषता है कि इन जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। इन जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। नंबर 2 लिखेंगे, इनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है। इनका शरीर संगठन
ऊतक स्तर का होता है। नंबर थ्री, इनमें कंटिकाएं उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। इनमें कंटिकाएं उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। इनमें कंटिकाएं उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। अगला नंबर, ये द्विस्तरीय जनन स्तर के होते हैं। ये द्विस्तरीय जनन स्तर के होते हैं। इनमें बाह्य जनन स्तर तथा आंतरिक जनन स्तर होता है। इनमें बाह्य जनन स्तर तथा आंतरिक जनन स्तर होता है। अगला नंबर, इनकी देह भित्ति में बाहरी बाह्य त्वचा उपस्थित होती है तथा इनकी देह गुहा आह गुहीय होती है। अगला नंबर, इनके शरीर की बाह्य सतह पर पश्चिम भिकाओं से जुड़ने से बनी आठ कंकत पट्टिकाएं होती हैं। जो गमन में सहायक होती हैं। गमन का मतलब चलने में जो सहायक होती है। आठ पट्टिकाएं हैं जो क्या हैं, चलने में सहायक होती है। अगला नंबर लिखेंगे, इनके पाचन तंत्र में मुख कौमाग्रसनी या स्टोमोडियम मुख कौमाग्रसनी या स्टोमोडियम गुदानाल कौमा गुदाद्वार गुदानाल कौमा गुदाद्वार तथा जटिल वाहिनी गुहा उपस्थित होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें तंत्रिका तंत्र
इनमें तंत्रिका तंत्र संघ निडेरिया के समान होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र संघ निडेरिया के समान होता है। अगला पॉइंट, इनमें कुछ संवेदी कोशिकाएं स्पर्शक में उपस्थित होती हैं। होती हैं जो भोजन पकड़ने में सहायक होती हैं, इनमें दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट, ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएं एक ही जंतु में। तो ये जो तीनों भुइरा जंतु है ये कैसा है? उभयलिंगी है। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें परोच परिवर्धन होता है तथा सिडिपेड लार्वा बनता है अगला पॉइंट बस ठीक है, आप लिखेंगे तीनों फोरा के समान उदाहरण। डाल लीजिए अरिंग। तीनों घोरा के समान उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले टीनो प्लाना, इसका जो उदाहरण है वो है टीनो प्लाना। टीनो प्लाना जिसे हम कहते हैं पल्यूरो ब्रैकिया। टीनोप्लाना जिसे कहते हैं पल्यूरो वैंक्रिया। इसके अंतर्गत लिखेंगे इसे समुद्री करौंदा भी कहा जाता है। समुद्री करौंदा क्योंकि करौंदे के रूप में दिखाई देता है इसलिए इसे समुद्री करौंदा कहते हैं। इसे समुद्री करौंदा भी कहा जाता है। यह छोटा समुद्री रेंगने वाला जीव है। इसका शरीर मांसल होता है जो
अर्धवृत्ताकार पालियों में बटा होता है। जो अर्धवृत्ताकार पालियों से बनता है, जो अर्ध वृत्ताकार पालियों से बनता है, इसमें स्पर्शक जुड़े रहते हैं। इसमें स्पर्शक जुड़े रहते हैं, इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। ये डायग्राम देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है? करौंदे के समान। जैसे हमने बताया कि आपको करौंदे के समान दिखाई देता है, तो आप देख रहे हैं करौंदे के समान दिखाई दे रहा है। इसका ये बीच का भाग है, ये क्या है? गुदा द्वार है, जिसके द्वारा ये जो भोजन विजन करता है, ये सज्जित करता है जैसे। और ये इसका क्या है? कंटिकाएं। ये इसका कंकाल पट्टिकाएं है। ये इसका जो है वो इस तरीके से संरचना की है। यहाँ पे इसका मुख है, ठीक है, इसे आप बना लीजिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बना लीजिए। ये क्या है आपका? तीनों प्लाना है। ओके, ठीक। इसके बाद कल हम आपको अगला संघ पढ़ाएंगे।